रीवा नगर निगम क्षेत्र में अलग अलग रियल एस्टेट कंपनियों के द्वारा रीवा शहर की सारी जमीनों को अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। सारे नियम कानून को ताक में रखकर यह काम किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों पहले मीडिया के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया था एवं प्रमुखता से विंध्या टाइम्स के द्वारा भी इस खबर को दिखाया गया था। इस शहर के अंदर बिना किसी भी परमिशन के, बिना किसी आदेश के जमीन कारोबार का बड़ा खेल चल रहा है। उसके बाद नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई की गई थी और साथ ही साथ विंड रियल एस्टेट कंपनी के अलावा और कई कंपनियों को नोटिस जारी किए गए थे कि 7 दिवस के अंदर अपना जवाब और सारे दस्तावेज प्रस्तुत करें। इस बात की जानकारी नगर निगम के अधिकारी तो दे सकते हैं कि विंड रियल एस्टेट कंपनी और अन्य कंपनी के द्वारा अपने दस्तावेज और जवाब प्रस्तुत किए गए या फिर नहीं, लेकिन 15 मई को नगर निगम के द्वारा एक नोटिस जारी की गई थी। उस नोटिस को जारी करने के बाद से आज दिनांक तक अवैध तरीके से चल रहे शहर में जमीन के बेचने के खेल को नहीं रोका जा सका। हम आपको बता दें कि अभी बीते 2 दिन पहले समाज सेवी एडवोकेट बीके माला ने शहर के अंदर चल रहे इस खेल को रोकने के लिए संभागीय कमिश्नर से लेकर नगर निगम आयुक्त तक पत्राचार किया था और मीडिया के सामने बयान दिया था कि इस तरह के अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वालों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग भी की थी, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। समाज सेवी एडवोकेट बीके माला ने एक बार फिर से आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि जब 15 मई को रीवा नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी की गई थी तो आज दिनांक तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और साथ ही साथ उन्होंने नगर निगम को भी घेरा है और कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और शहर के अंदर अवैध रूप से बिना परमिशन के जमीन का खेल खेलने वालों के ऊपर FIR दर्ज करने की भी मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर रीवा नगर निगम आयुक्त संजय सौरभ सोनवड़े से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि लगातार अवैध रूप से जमीन को बेचने का काम करने वालों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कुछ जगह कार्रवाई की गई थी, लेकिन नोटिस देने के बाद अगर कोई रियल एस्टेट का मालिक जमीन को बेचने का काम कर रहा है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में बात करके रजिस्ट्री को रोका जाएगा और उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ FIR भी दर्ज की जाएगी। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। देखिए, रीवा जिले के अंतर्गत 45 वार्ड हैं। 45 वार्ड व तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनुभाग रीवा के अंतर्गत हैं, जो चौराहटा बाबूपुर व रीवा शहर के चारों तरफ एरिया में जहां TNCP लागू है, रेरा लागू है, डायवर्शन लागू है, उन क्षेत्रों में नियम विरुद्ध तरीके से, अवैधानिक तरीके से प्लाटिंग की जा रही है। कॉलोनी राइजर अधिनियम के तहत नियम विरुद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा, संभाग रीवा, कलेक्टर महोदय रीवा और नगर निगम को हमने इस संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कई बार शिकायतों को संज्ञान में भी लाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ये अवैधानिक तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से प्लाटिंग हो रही थी, जिसको नगर निगम के आयुक्त महोदय ने 15/5/2024 को एक पत्र जारी किया, जिसमें एक विंड ग्रुप है, विंड ग्रुप वगैरह जो चौराहटा बाबूपुर अन्य जगहों में अवैधानिक तरीके से प्लाटिंग की जा रही है, साथ में शांति कॉलोनी करके उपेंद्र सिंह जी है, उनकी एक फर्म है जो चौराहटा में और करहिया में या अन्य अन्य जगह प्लाटिंग की जा रही है। बहुत सारे जगह प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं, निपनिया है, चौराहटा है, बाबूपुर है, कुठुलिया है या अन्य ऐसे संस्थानों में लैंडमार्क के पास है। इस तरह के रीवा शहर के चारों एरिया में नियम विरुद्ध तरीके से अवैध कॉलोनी प्लाटिंग की जा रही, जिसमें नगर निगम ने नोटिस जारी की है और नोटिस जारी करने के आज दिनांक तक क्या कार्रवाई हुई उनको, उनके द्वारा जवाब दिया गया या TNCP है तो TNCP के संदर्भ में सामूहिक रूप से नगर निगम को नोटिफिकेशन करना चाहिए कि इनके पास TNCP है। तो आज 15/5/2024 या अन्य डेटों में जो जिन डेटों में नोटिस जारी की गई, एक प्रथम नोटिस, द्वितीय नोटिस, तृतीय नोटिस, जो भी नोटिस जारी की गई, पर आज दिनांक तक क्या कार्रवाई की गई, अवैधानिक तरीके से लगातार रजिस्ट्री हो रही। यदि आपने नगर निगम ने नोटिस किया तो नगर निगम को लिखना चाहिए कि इन विंड ग्रुप या कि अन्य ग्रुप जो हैं, जैसे चौराहटा में शांति करके है ग्रुप जो बना हुआ है,
या अन्य फर्में जो बनी हुई हैं जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, तो वो जो भी फर्में हैं अवैधानिक चल रही हैं उनकी सूचना रजिस्ट्रार कार्यालय को देनी चाहिए कि इस संबंध में कि जो उक्त जाँचें चल रही हैं जिनको हम नोटिस जारी किया है इनकी विक्रय पर रोक लगाई जाए। तो क्या नगर निगम प्रशासन ने इन पर रोक लगाई? लगातार अवैधानिक तरीके से बिक्री हो रही है, लोग बेच रहे हैं, जब पेपर में प्रकाशन, मीडिया में प्रकाशन होता है, खुलेआम और रजिस्ट्री में बिक्री हो रही। तो इन अवैधानिक कॉलोनियों को, जो जैसे रीवा शहर को यदि आप विकसित शहर देखना चाहते हैं, अच्छा शहर देखना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, तो पहले अवैधानिक प्लाटिंग पर रोक लगानी चाहिए। 20 फीट की रोडें बना के बेच रहे हैं, शासन का राजस्व की चोरी कर रहे हैं, नाले बेच रहे हैं, नदी के किनारे साइड आपका रहिया चले जाइए, नदी को बेच दिया गया है, नालों को पाट दिया गया है, राजस्व विभाग की बिना अनुमति के अवैधानिक तरीके से नालों को गायब कर दिया गया है। किसके नाप से, किसने नापा है, किस पटवारी ने नापा है, किस राजस्व निरीक्षक ने नापा है उन भूमियों को, प्रतिवेदन कहाँ है, राजस्व विभाग की अनुमति कहाँ है। तो इस प्रकार अवैधानिक तरीके से, जैसे करहिया में देख लीजिए, एक शांति विला करके कॉलोनी बनाई जा रही है जो पूर्णतः अवैधानिक है, राजस्व उसकी डायवर्सन शुल्क लगभग नहीं जाना है जमा है। इसी प्रकार चौराहटा में बनाई जा रही है, इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में रीवा शहर के चारों तरफ ये कॉलोनी अवैधानिक कॉलोनी बनाई जा रहा है, जिसके जांच की मांग कर रहे हैं और रजिस्टर आपके माध्यम से भी कह रहे हैं कि तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। और जहां भी इस प्रकार अवैधानिक प्लाटिंग है, रीवा शहर की आम जनता से हमारी अपील है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर 9770070694 पर कागज़ भेजें, और आप सबसे अपील है आपके माध्यम से कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें, अवैधानिक प्लाटिंग पर आम जनता रोक लगाए, आम जनता भी आवेदन दे, आम जनता भी शिकायत करे और हमारे संज्ञान में लाइए, हम सब मिलकर रीवा को अच्छा बनाने का काम करेंगे। रीवा शहर में माननीय मंत्री जी से भी हमारा आग्रह आपके माध्यम से कि अवैधानिक प्लाटिंग रोकिए, रीवा का स्वरूप, रीवा की ड्राइंग डिज़ाइन खराब हो जाएगी। रीवा को यदि विकसित शहर देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो रीवा में अवैधानिक प्लाटिंग को रोकना होगा, अवैधानिक कब्जे रोकने होंगे, नदी नाला विक्रय पर रोक लगानी होगी और ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे माफियों या गलत तरीके से काम करने वाले व्यक्तियों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। नियमानुसार अगर जिस तरह ये काम कर रहे हैं तो क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर से TNCP रेरा डायवर्सन के शुल्क जमा करनी चाहिए, इसमें नदी NGT का नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, अवैधानिक जो नाले हैं उनको यदि कोई पाट रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए और रजिस्ट्री पर रोक लगानी चाहिए। जब तक ये निर्धारित नहीं हो जाता कि ये TNCP प्राप्त हैं, ये रेरा प्राप्त हो गए, रेरा के नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यदि नहीं कर रहे हैं तो उन पर रोक लगानी चाहिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और तत्काल विक्रय पर रोक लगनी चाहिए। इसमें लगातार कार्रवाई निगम के द्वारा की जा रही है, जो भी अवैध कॉलोनाइजर से जो चिन्हांकित है उनको भी अंतिम नोटिस दे दिया गया है और ये सख्त निर्देश भी जोनल ऑफिसर्स को दिया गया है कि तत्काल ऐसे केसेस में FIR भी दर्ज होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। और ऐसी अगर कोई कॉलोनीज का निर्माण कर रहे हैं तो हम सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई करें। 15 उस पर भी हम एक बार देख लेंगे कि नोटिस का उनका जवाब आया था या नहीं आया था, अगर नहीं आया था तो भी हम कार्रवाई करेंगे, और आया था तो भी इलीगल अगर है उनका तो विधिवत उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सभी इस तरह के से हर हमारे 104 जो कॉलोनीज है उनको चिन्हित है और उनको नोटिसेस भी तामील हो गई है, तो उन्हीं सभी कॉलोनीज पे कार्रवाई के लिए अभी निर्देश दे दिए गए हैं। इसमें प्रावधान जो है कॉलोनाइजर एक्ट के तहत, तो इलीगल कॉलोनाइज उनके अगेंस्ट में FIR के प्रावधान है, तो लीगली उन पर एक्शन लिया जाएगा। नोटिस भी दी गई है उनको, इनको सभी को नोटिस दी गई है। तो जिनके अगर जो रजिस्ट्री हो गई है उन पे क्या कुछ होगा, क्या रद्द होंगी रजिस्ट्री या फिर वो रजिस्ट्रीज रद्द करने के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से एक बार उस संदर्भ में चर्चा करनी पड़ेगी, पर हमारे जो अधिकार क्षेत्र में है वो काम हम तो उसमें